हाय दोस्तों, मैं हूं आपका राजपाल और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आज का अपने कक्षा एक से लेकर और चाहे वो भारतीय नाटक एकेडमी हो, चाहे एनएसडी दिल्ली हो, और थिएटर में लगभग 7-8 साल बहुत सारे प्लेज में काम करने का मौका मिला। एनएसडी के दौरान, बीएनए के दौरान बहुत सारे नाटकों में काम करने का मौका मिला और टेलीविज़न और लगभग रिलीज अनरिलीज सब मिला के लगभग 200 फिल्मों का हिस्सा होने का सौभाग्य मिला। तो हमारी जो एजुकेशन में जिन टीचर्स ने काम किया मुझे तालीम देने के लिए, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपने सभी रील के सभी निर्देशकों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और इन सब टीचरों के आशीर्वाद की वजह से और माता पिता की असीम कृपा की वजह से मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय आशुतोष राणा जी का कि जिनके माध्यम से हमारी रियल लाइफ का कोई गुरु, जिसने हमारे कान में हमें मंत्र जो है कर्म का मंत्र जपने का जो है सौभाग्य दिया, और हमारी रियल लाइफ के गुरु हमारे परम पूजनीय दद्दा जी, श्री पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री जी, जिन्होंने 22 साल हमें जीवन के हर मोड़ पर पढ़ाया, काढ़ा और आगे बढ़ाया। और आज माता पिता के बाद में हम अपनी जिंदगी में, कोई भी अपनी जिंदगी का अगर कोई कह सकते हैं कि राजपाल का इस संसार में एक ही गुरु है और वो अमर हैं पूरी लाइफ और वो अमिट हैं और उनके 20-22 साल के दिए गए जो प्रवचन हैं, जीवन के दर्शन को लेके जो प्रवचन हैं, उनकी कथनी और करनी में एकता का जो संपादन हमने 20-22 साल देखा, जिसमें एक मुंह ढकने से लेकर एक महिला से लेकर बच्चे से लेके बूढ़े तक, जवान, सब तरीके की क्लास के लोग, हर तरीके के समाज के लोग, 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ के माध्यम से राष्ट्र कल्याण हेतु दद्दा जी ने देश के अलग अलग स्थानों पर जाके जो है राष्ट्र कल्याण के लिए शिवलिंग निर्माण करवाए, उनका अभिषेक करवाया, उनका विसर्जन करवाया, नदियों में काली मिट्टी डालने से नदियों का जो वो प्रदूषण होता है, वो जो बोलते हैं ना कि अगर कीचड़ में काली मिट्टी डालो तो वो सारा जो है वो खींच लेती है अपनी तरफ और पानी, निर्मल पानी हो जाता है, और यज्ञ के माध्यम से, हवन के माध्यम से, और 7 दिन लगभग हजारों लाखों लोगों को खाना खिलाने के माध्यम से, और एक ऐसे गुरु जी जिनको हम, जिन्होंने हमें जो है अपना, हमें पुत्र के रूप में स्वीकार किया। मैं 100 जन्म ले लूं तो अपने दद्दा जी का ये कर नहीं चुका सकता, हमारे वो परिवार के पूज्य पिता बने। दद्दा, कैसे भूल सकते हैं आपकी वो लाइनें, जब कोई गुस्सा हो या कोई बहुत अहंकार से कोई बात कर रहा हो और आप इतनी सरलता के साथ, इतनी विनम्रता के साथ किसी को समझा देंगे, बेटा अहंकार ठीक नहीं, अहंकार से मिट गए कुल गौरव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। तो दद्दा, इससे ज्यादा साहित्य क्या पढ़ने की जरूरत है जहां पे आप अहंकार को 2 लाइन में समझा दें। चाहे दद्दा, हम कभी वो यज्ञ नहीं भूल सकते जिसमें आपने, जब साईं बाबा जी बोलते हैं कि सबका मालिक एक, मैं नमन करता हूं उनके सारे फॉलोअर्स को कि सबका मालिक एक जिस पे सब भरोसा करते हैं, तो शिरडी साईनाथ धाम में जो है हमारे दद्दा ने यज्ञ के दौरान ये बात कही थी कि
साईं बाबा कहते हैं कि सबका मालिक एक। तो मैं ऐसे ही सोच रहा था कि इसकी दोहे का क्या मीनिंग होगा। तो दद्दा जी ने फिर वहां पर बताया कि इस जग में तन अनेक हैं, इस जग में तन अनेक हैं, मन के भाव अनेक, तन मन के इस खेल में सबका मालिक एक। दद्दा, ये दोहा जिंदगी के अंदर समाता है। मानवता का जो पाठ दद्दा आपने अपने इस पुत्र रूपी चेले को सिखाया है, इसके लिए दद्दा जीवन भर आपको नमन करने का सौभाग्य मुझे मिलता रहे। वो परिवार के पूज्य पिता बने और बोलते हैं कि अगर चंद्रगुप्त साहब जीवन के रण को जीतने के लिए जितने खुश थे कि उन्हें चाणक्य के रूप में जो है उनके दिग्दर्शक मिले, तो 2020 में हम बहुत स्वाभिमान के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ ये कह सकते हैं कि हम भी उनसे कम सौभाग्यशाली नहीं और ज्यादा सौभाग्यशाली हैं, जहां पे हमें संवादों के माध्यम से और कर्मशील और सज्जनता, गंभीरता, बगैर किसी उच्छृंखलता, प्रसन्नता, प्रफुल्लता और सफलता और साथ में कृतज्ञता का मीनिंग समझाया, लघुता का मीनिंग समझाया। दद्दा जी ने कभी भी जीवन के दर्शन में आज तक राजपाल को कभी कोई अंगूठी पहनने का भी कोई निर्देश नहीं दिया कि कोई भी बहुत सारी चीजें। तो दद्दा की जो क्लास मिली है हमारे जीवन में, दद्दा जी ने एक बात बोली कि जीवन के इस रंगमंच पे मरना जीना तो एक नाटकीय व्यवस्था है, इसके व्यवस्थापक मत बनो, हम तो केवल इसके पात्र हैं। दद्दा जी, आप हमारे दिल में अमर हैं, अजर अमर हैं, और हम लघुता के साथ आपकी प्रभुता को पूरे दुनिया के सामने ले जाने की कोशिश करेंगे कि बगैर किसी रसीद, बगैर किसी चंदे के 132 यज्ञ पूरे देश में करा के जहां पे लाखों लोग हिस्सा ले लें और एक भी चीज ऐसी है जो अव्यवस्थित देखने को ना मिले। वो दद्दा जी के यज्ञ में ऊर्जा देखने को मिलती थी। हम तो लोग कलाकार हैं, एक लाइन हवा में सोचते हैं, उसको कागज पर लिखते हैं या कोई राइटर लिख देता है और हम उसे अपने दिमाग में चित्र बनाते हैं और उसको चलचित्र के रूप में पेश कर देते हैं। लेकिन बोलते हैं कि जीवन के पटल पर, जीवन के प्लेटफॉर्म पे अगर आप सामने प्ले कर रहे हो और एक ऐसा कोई पर्दे के पीछे जो आपकी मदद कर रहा हो अप्रत्यक्ष रूप में, इनडायरेक्ट वे में, कोई तो है जिसने आंखें बनाई, कोई तो है जिसने मुंह बनाया, कोई तो है जिसने ये वंडरफुल शरीर बनाया, इतनी अद्भुत संरचना जिसमें सिर्फ सांस जो है वो डिसाइड करती है कि आपकी तबीयत कैसी है। और ये शरीर की महत्ता और ये प्रकृति की महत्ता को और मानवता को अगर तीनों चीजों को संगम के रूप में किसी ने सिखाया तो हमारे परम पूजनीय गुरु जी दद्दा जी ने सिखाया। और मैं, दद्दा जी, आज आप हमारे शारीरिक रूप से हम लोगों के साथ जो हैं वो नहीं हैं, लेकिन आप हम जितने भी पूरे देश में शिष्य हैं, आप हमारी आत्मा में अमर हैं, अमिट हैं, आप हमारे असली सच्चे गुरु हैं। मैं आपको तहे दिल से नमन करता हूं और आपके चरणों में माथा रखकर प्रणाम करता हूं कि दद्दा जी, पिछले 20-22 साल में आपने जो हमें सिखाया, हम पूरे जीवन आपके आदर्शों पर चलने की कोशिश करेंगे और आप हमारे साथ हैं, आपका आशीर्वाद बना रहे। और मुझे बहुत सौभाग्य इस बात का लगता है और मुझे बहुत प्राउड फील होता है, लोग गुरु चेले की बात करते हैं
मैं 100 जन्म तक भी आपका कर नहीं उतार सकता, अगर मुझे आपका जीवन भर के लिए चेला पुकारा जाए। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं दद्दा जी। लव यू दद्दा जी। दद्दा जी आप कहीं नहीं जा सकते, आप हम सबके साथ हैं।